क्रीमी ग्रेवी, सॉफ्ट पनीर, मसाला बहुत कम यानी कि नाम मात्र का, और स्वाद बिल्कुल लाजवाब जो कि दमदार लगे। और अगर आप सब भी बनाना चाहते हैं पनीर में कुछ खास रेसिपी, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाद खट्टा मीठा। तो आइए आप सबको बताते हैं इस पनीर की रेसिपी के बारे में। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच के करीब तेल। अब जो भी कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमको डाल देना है अदरक, ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, गार्लिक डालना है 2 से 4। यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची ले ली है 2 पीस, 2 से 3 मैंने यहाँ पे तेज पत्ता लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे दालचीनी की लकड़ी ले ली है। तो इन सबको डालने के बाद सोटे कर लें, और फिर इसमें हमको डाल देना है रफली चॉप किए हुए प्याज, जो कि मैंने बस इनको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है ऐसे ही रफली, और इनको डाल के थोड़े देर के लिए भून लेंगे जिससे इनका पानी जल जाए। तो बहुत ज़्यादा हमको इनको फ्राई नहीं करना है या फिर हमको इनको ट्रांसपेरेंट होने तक नहीं भूनना है, बस इनके पानी जल जाने तक इनको ही फ्राई करना है। तो व्हाइट ग्रेवी में आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्जी, जिसमें मोस्टली लोग प्याज और टमाटर नहीं ऐड करते हैं। तो मैं आप सबके लिए कुछ खास रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें आज हम प्याज भी डालेंगे और साथ ही साथ इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे, जिससे हमारी सब्जी की कलर बिल्कुल वाइट ही रहेगी, कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, और हमारा टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही दमदार होने वाला है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है टमाटर, 1 छोटे टमाटर को मैंने कट कर लिया है, 7 से 8 ले लिए हैं काजू, और यहाँ पे मैंने छोटे चम्मच के करीब 2 चम्मच ले लिए हैं खसखस। तो इन सबको डाल लेना है और अच्छे से भून लेना है कि जब तक हमारे टमाटर का पानी न जल जाए तब तक इनको भून लें, और उसके बाद इनको ठंडा करके हमको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको लगता है कि नीड है पानी की तो आप पानी डाल के उसके अंदर भी अच्छे से इनको ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना पानी के इनको अच्छे से ब्लेंड कर लें। और इनका पेस्ट बहुत ही गाढ़ा होना चाहिए और प्रॉपर अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो इस तरह से हमको पहले इनको भूनना है और फिर ठंडा कर लेना है। तो इस सब्जी के साथ आप कौन सी पराठे की रेसिपी पसंद करेंगे? तो मैंने बहुत सारे पराठे की रेसिपी भी अपलोड कर रखी है, लच्छा पराठा है, एनवेलप पराठा है, पनीर पराठा है, आलू पराठा है। तो आप जो भी पराठे की रेसिपी आप खाना पसंद करते हो उस रेसिपी पर जाएँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब वहाँ पर जाके वीडियो को चेकआउट जरूर कर लें। 15 से 20 टाइप के पराठे की मैंने रेसिपी अपलोड कर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब वीडियो को वहाँ पे जाके चेकआउट जरूर करें। और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप सबको कौन सी पराठे की रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, या फिर आप इसके साथ कौन से पराठे की रेसिपी खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इनको मिक्सर ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, इसके अंदर जो मैंने तेज पत्ता डाला था उसको निकाल लिया है, फिर उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लिया यानी कि पीस लिया है। तो सेम कढ़ाई को हमको ले लेना है, इसको धोना पोछना कुछ भी नहीं है, और उसमें डाल देना है बटर, बटर को अच्छे से मेल्ट होने देना, और जो मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ मसाला रखा है उसके अंदर इसको डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि मसाला आपको जो जार में एक्स्ट्रा लगे हुए हैं तो आप इनको पानी डाल के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मसाले को अच्छे से भूनना है थोड़ी देर के लिए, कम से कम आप इनको 5 मिनट के लिए भूनें, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और आपका सब्जी बहुत ही यम्मी बने। इस तरह से हम भून रहे हैं, तब तक आप सबको पुलाव की रेसिपी भी मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आई बटन में लगा रखा है कि आपको कौन से पुलाव की रेसिपी पसंद है, आप सब जाके वहाँ पे वीडियो को जरूर देखें। अगर आप सबके पास कोई रेसिपी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारा सब्जी का ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पकने लगा है। तो दूसरी साइड मैंने यहाँ पे ले लिया है पनीर, और पनीर को मैंने कुछ इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग इनको छोटा बड़ा कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करो, मुझे कमेंट करके बताना ना भूले कि हमारी आज की पनीर की सब्जी रेसिपी आप सबको कैसी लगी। तो इस स्लाइस के रूप में मैंने यहाँ पे पनीर कट लिया है, इसी तरह से मैंने सारे पनीर को कट कर लिया है। तो आइए दूसरी तरफ देखते हैं हमारा ग्रेवी कितने अच्छे से पक चुका है। तो ये देखिए हमारा ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक गया है, तो इसमें हमको डाल लेना है थोड़ा सा चीनी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मसाला बहुत ही कम पड़ने वाला है हमारी रेसिपी में, मैंने ऑलरेडी इसमें मसाले ऐड कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने इनको प्याज और टमाटर के साथ भूनने के टाइम में कौन से मसाले ऐड किए थे आप सब मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, तो जिससे मुझे पता चले कि आप सब हमारी रेसिपी को कितने अच्छे से देखते हैं और कितने लाइक करते हैं। तो इस तरह से अब इसमें हमको मसाले कुछ भी नहीं ऐड करने हैं, बस हमको यहाँ पर ले लेना है अमूल का क्रीम, इनको अच्छे से फेंट लेना है, उसके बाद इसमें हमको डाल देना है, और मसालों के साथ इनको अच्छे से भून लेना है जिससे अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो जब तक हमारा मसाला मिक्स हो रहा है तब तक आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि हमारी आज की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। मैंने पनीर की सब्जी की रेसिपी भी बहुत सारी अपलोड कर रखी है, तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी रेसिपी आप सबको और चाहिए, तो मैं आप सबके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी। तो ये देखिए मसाले के साथ हमारा क्रीम अच्छे से मिल गया है, तो इसके ऊपर से मैंने क्रश किए हुए
कस्तूरी मेथी डाल दी है और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके साथ, जिससे इनका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी ना हो तो आप इसमें धनिया की पत्ती यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें यहाँ पे मैंने डाल दिया है 4 से 5 काली मिर्च, जिनको मैंने बारीक कूट लिया है और इसके अंदर डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए हमारा ग्रेवी बिल्कुल लगभग बन के तैयार है सर्व करने के लिए। बस इसके अंदर हमको डालना है पनीर, तो पहले इनको अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद हमको इसके अंदर पनीर को ऐड कर लेना है। तो मैंने जो पनीर कट करके रखे थे मैंने इस तरह से इनको डाल दिया। अगर आप चाहती हैं उनको फ्राई करके डालना तो आप पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई करें तो आपकी रेसिपी बहुत ही दमदार बन के तैयार होने वाली है। ये देखिए मैंने सारे पनीर को इसके अंदर डाल दिया और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। अगर आपको लगता है कि मसाले हमारे बहुत गाढ़े हैं तो आप इसमें 1 कप के करीब गर्म पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीम वाले कटोरी से आधी कटोरी पानी डाल दी है, जिससे हमारा कटोरी में लगा हुआ क्रीम भी सब्जी में चला जाएगा और ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरह से इनको डाल देना और 5 मिनट के लिए इनको ढक के पका लें, या फिर आप उनको खुला में ही पका लें, और पकाने के बाद आप इनको साफ़ करने के लिए रेडी से कर सकते हैं। तो हमारी सब्जियां तो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है, खाने में बहुत ही लाजवाब थी, यम्मी थी, माउथ वाटरिंग है। आप सब भी अपने घर पर इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो 1 लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाएगी और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ऐसे ही ज़बरदस्त रेसिपी पाने के लिए आप सब मुझे कमेंट जरूर करें, मुझे लाइक करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इनको शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि हमारे घर में बिना कम मसालों में हम अपनी रेसिपी को कैसे बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपी अपलोड कर रखी है, आप सब वीडियो को जरूर चेकआउट करें और आप हमारे चैनल पे एक बार जरूर विजिट करें। तो ये लीजिए हमारी पनीर की सब्जी व्हाइट ग्रेवी बन के बिल्कुल रेडी है। तो मुंह में आ गया ना पानी, तो आप सभी अपने घर पे इनको जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो 1 लाइक जरूर करें, मुझे प्यारे से कमेंट देके बताना ना भूलें कि हमारी आज की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। कोई रेसिपी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आप सबके लिए वो रेसिपी लेके आऊँगी। तो ये लीजिए हमने ये रेसिपी को बहुत ही अच्छे से सर्व कर लिया है और इनको मैंने सर्व किया है लच्छे पराठे के साथ। आप सभी अपने घर पर लच्छा पराठा बनाएं या फिर कोई भी पराठा बनाएं जो आपको पसंद आता हो, आप उनको इनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खाते रहिए बनाते रहिए। वीडियो पसंद आए तो 1 लाइक जरूर करें, मुझे प्यारा से कमेंट देके बताना ना भूलें कि हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।